इंदौर की फल और सब्जी मंडी चोइथरा में इन दिनों आमों की बम्पर आवक होने से किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों में निराशा है। हालांकि इसके बाद भी खेरची में आम के दाम आसमान छू रहे हैं। इंदौर के चोइथराम फल सब्जी मंडी में आमों की बम्पर आवक होने से किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल 25 से 30 रुपए भाव मिला था, लेकिन अब 16 से 20 रुपए भाव मिल रहा है, जिससे उन्हें गाड़ी का भाड़ा भी नहीं मिल पा रहा। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि चोइथराम फल मंडी में मालवानी मार सहित अन्य राज्यों से दशहरी, लंगड़ा, बादामी और देशी आमों की भरपूर आवक हो रही है और आने वाले दिनों में ये आवक और बढ़ेगी, जिससे आम के दाम और गिरने वाले हैं। दो गाड़ी आम की लेकर फसल अब के ज्यादा है, पिछले साल से ज्यादा है। भाव कम मिल रहा है पिछले साल से कम। पिछले साल क्या भाव था और इस साल क्या भाव? खेत पिछले साल बिक रहा था, इस टाइम आ गए 30-32 रुपए तक, अब के बिक रहा 15-16 रुपए तक। आपका नाम? मेरा नाम असलम। दशहरी का भी जून जुलाई में दशहरी, लंगड़ा, यूपी का आम की आवक बहुत रहती है। इसमें लंगड़ा, दशहरी, चौसा, डिंगा जो आम आते हैं यूपी से, अभी बहुत आम आवक बहुत है अभी इंदौर शहर में। अभी आज कम से कम 30 से 35 गाड़ी इंदौर शहर के अंदर है। दशहरी का अगर भाव देखें तो अपन अभी 20 रुपये से लेकर 45 रुपये तक का दशहरी का रेट है। लंगड़े का रेट है अभी 30 से 40-50 रुपये तक का, और चौसा है 20 रुपये, 25 रुपये, जैसा हमारे साथ आम है इंदौर शहर में। भाव की बात करें तो क्या आवक और होगी और भाव घटेगा? भाव अभी आवक तो बहुत है इस बार यूपी में, माल की आवक बहुत है, अभी आवक और बढ़ेगी इसमें। अभी 50 से 60 गाड़ी रोज की प्रतिदिन आवक हो जाएगी। क्या भाव कम होगा या ज़्यादा होगा? भाव अभी और उतरेगा, दोनों 3 दिन में और उतरेगा, बाकी मेरे स्थायी हो जाएगा 15 से 20 दिन के लिए। आपका नाम? राजकुमार परिडवाल। आपका तेज है? तेज है। हाँ, पिछले साल क्या भाव था? पिछले साल था लेकर 25 से लेकर 30 तक, और अब क्या 30 से लेकर 40 तक। जैसा माल है ऐसे पैसे हैं। तो क्या अभी आवक और होगी आम की? हाँ, अभी रेट बढ़ेंगे और रेट बढ़ेंगे। कि फसल अच्छी है इस बार? फसल भी कम है। कम है? हाँ, कम है। और रेट ज़्यादा है? रेट बढ़ेंगे कहाँ है, ज़्यादा है अभी और बढ़ने की आवक? और बढ़ेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ है। फिलहाल भले ही किसानों को उनकी आम की फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन खेरची में आम के दाम आसमान छू रहे हैं। बादामी आम की कीमत प्रति कोल 120 रुपये से ज़्यादा हो गई है।